नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की यह 52वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का टॉपिक पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत है, आज इसको देखेंगे। और एक बात और बता दूँ कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ध्रुव धारावर्ष शासक था, तो जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव धारावर्ष, देखिए धारावर्ष जो था इसका उपनाम था। ध्रुव धारावर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। प्रश्न दो देखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती बर्मन था जिसने 8वीं सदी के मध्य चालुक्य शासक कीर्ति बर्मन को पराजित किया करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानिकेट और मालखंड को बनाई। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपने बाएं हाथ की अंगुली को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित किया था। अमोघवर्ष की तुलना सीवी दधीचि जैसे पौराणिक व्यक्तियों से भी की जाती है। राष्ट्रकूट शासक इंद्रतिथि के समय भारत पर आया था अलमसुदि नामक यात्री आया था। राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभ राज कहलाते थे, भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी, सबसे पहले इन्होंने ही स्वीकृति दी थी। प्रश्न तीन देखिएगा, राष्ट्रकूट वंशज थे, तो राष्ट्रकूट जो थे वंशज थे बादामी के चालुक्यों के वंशज थे, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजों के सक्सेस का अर्थ होता है, अंग्रेजों के सक्सेस का अर्थ वंशज होता है, इसका अन्य अर्थ क्रमानुवायी या परवर्ती भी होता है। यह वंशज से तात्पर्य परवर्ती से है। बादामी के चालुक्यों को उपदस्थ करके राष्ट्रकूट मूलतः लातूर नामक जगह है वहाँ के निवासी थे। अंग्रेजों में लेखों में उन्हें लट्टलू रूप धरवारिधेश्वर कहा गया है। स्कूल के लोग चालुक्यों के राजा राज्य में जिलाधिकारी थे और विनी दिंदोरी तथा राघनपुर के लेखों में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने चालुक्य सेना के समुद्र को विमथित करके उनको राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था। कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में बादामी के चालुक्य के शासक कीर्ति वर्मा और उसके सभी पुत्र मारे गए थे जिसके फलस्वरूप बादामी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। प्रश्न चार देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था गोविंद तृतीय, सबसे महान और प्रतापी शासक गोविंद तृतीय ही था। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। इसने पल्लव पांड और केरल और गंग शासकों द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेनानायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक बना। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लातूर जो है आपका यह महाराष्ट्र में है, यह बीदर जिला में पड़ता है, किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। दो कैलाश मंदिर है, एक महाबलीपुरम में है जिसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न पाँच देखिएगा, हिंदू जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है, तो वह है एलोरा, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान गुफा मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ 6वीं सदी से 11वीं सदी तक निर्मित 34 गुफाएं हैं जिनमें से अधिकांश हिंदुओं की तथा कुछ बौद्धों की, जैनियों की भी हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट प्रथम ने करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित, उनकी संख्या 29 है, कुल 29 गुफाएं हैं अजंता में।
जिनमें कुछ 100 फीट गहरी भी हैं तथा घोड़े की नाल के आकार में खुदी हैं। अजंता की गुफाओं में 16-17 गुफा संख्या 16-17 जो है वह गुप्तकालीन है। 16 में वर्णासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और 16 की जो गुफा है उसमें जातक कथाएं अंकित हैं। पीतलखोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से 14 बौद्ध गुफाएँ मिली हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। पीजीटी परीक्षा सन 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका एलोरा में है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह भी प्रश्न है। प्रश्न 8 देखिएगा, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चोलों का वास्तविक संस्थापक जो था दक्षिण भारत में वह था परांतक प्रथम। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर झा में झिमालीकृत प्राचीन भारत का इतिहास नामक पुस्तक में उद्धृत इस तथ्य के आधार पर दिया जा सकता है। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में प्रथम परांतक प्रथम के समय में हुई थी, जबकि प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति के लेखक केसी श्रीवास्तव के अनुसार चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र राजराज फर्स्ट था। आदित्य प्रथम ने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया था। एलोरा की गुफाएं हैं, हिंदू बौद्ध जैन तीनों गुफाएं हैं वहाँ पर एलोरा में। तीनों जो हिंदुओं की भी देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जैनों और बौद्ध तीनों की कलाकृतियाँ मिलती हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 25 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है। यह शैलीकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ कुल 34 गुफाएं शैलीकृत हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक जो है बौद्धों की है, 13 से 29 जो हैं हिंदुओं की हैं, 30 से 34 तक जो हैं जैनों की हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा अत्यधिक धन व्यय करके बनाया गया था। प्रश्न 11 देखिएगा, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? चोल वंश की स्थापना स्वतंत्र शक्ति के रूप में किसने की? आदित्य फर्स्ट ने, या करिकाल ने, या परांतक फर्स्ट ने, या विजयालय ने? तो विजयालय ने की थी। चोल वंश का संस्थापक यही था विजयालय। GIC प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विजयालय ने की थी। पल्लवों और पांड्यों के निरंतर संघर्ष की स्थिति में पांड्यों को निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और यह लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। गंगाकोट की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र फर्स्ट ने धारण की थी, मतलब राजेंद्र चोल ने। PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका युगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। इसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया और राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में इसने संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया, मतलब श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। इसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत मतलब गंगा घाटी पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगाकोट की उपाधि भी धारण की थी और गंगाकोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण भी किया था। नवीन राजधानी के निकट इसने एक सिंचाई के लिए इस चोलगंगम नामक जलाशय भी बनवाया था। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक फर्स्ट ने की थी। प्रांतक के समय में 12वें से 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम स्वशासन का व्यवस्था का चित्र उपलब्ध होते हैं। चोल शासक वीर राजेंद्र के काल में पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने कुंडल संगम में चोलों को पुनः युद्ध के लिए ललकारा, किंतु असाध रोग के कारण इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित न हो सका। अपने अपमान और रोग से ग्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न 13 देखिएगा, चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया था किसने कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था, राजेंद्र चोल ने। प्रश्न 14 देखिएगा, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगाकोट पूरम थी? गंगाकोट थी, तो वह राजेंद्र प्रथम की थी। GIC अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम गंगाकोट चोलपुरम रखा? तो राजेंद्र फर्स्ट ने रखा था। TGT परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। आइए 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। गंगाकोट चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र फर्स्ट ने की थी। PGT परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गंगाकोट की उपाधि से सम्मानित किया था?
गंगाकोट की उपाधि से सम्मानित था, वह राजेंद्र फर्स्ट था, इसे ही राजेंद्र चोल कहते हैं। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था, तो महिपाल को पराजित किया था, महिपाल प्रथम को। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसका व्याख्या देख लीजिए। राजेंद्र चोल के गंगा घाटी अभियान का विवरण त्रुवलगांडू ताम्रपत्रों में मिलता है। इसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगाकोट की उपाधि धारण की और गंगाकोट चुलपुरम नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना की थी। गोपाल बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रह पाल हुआ, जिसने अल्पकालीन शासन के बाद अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्यागकर संन्यासी हो गया। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था, तो किसने भेजा था, तो राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल राजाओं द्वारा चीन में कुल 4 बार प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। पहला राजराज फर्स्ट द्वारा भेजा गया था, प्रथम द्वारा, जो 1150 दिनों की यात्रा के बाद 1015 ईस्वी में चीन पहुंचा। दूसरा मिशन राजेंद्र फर्स्ट द्वारा भेजा गया था, जो 1120 में पहुंचा। पुनः राजेंद्र फर्स्ट द्वारा तीसरा अभियान भेजा गया था, 1033 ईस्वी में पहुंचा। चौथा मिशन कुलोतुंग फर्स्ट द्वारा भेजा गया था 1117 में। इतना याद रखिए कि 4 बार दूतमंडल भेजा गया है, 1 बार राजराज फर्स्ट के समय में और 2 बार राजेंद्र फर्स्ट के समय में और 1 बार भेजा गया है कुलोतुंग फर्स्ट के समय में। प्रश्न 20 देखिएगा, चोल शासकों में से किसने चीन में अपना व्यापारी दूतमंडल भेजा था, तो तीनों ने भेजा था, 1 बार इसने भेजा था, 2 बार इसने भेजा था और 1 बार इसने भेजा था, उपर्युक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए घटनाचक्र की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप लोग परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग।